मैं बात कर रहा था, अगर लाइबिलिटीज आपकी डिक्रीज होगी, इसका मतलब प्रॉफिट होगा, तो लाइबिलिटीज अकाउंटेबल टू रिवेल्यूशन। बस दिमाग में बैठा लो, जब जब प्रॉफिट होगा आपका, रिवेल्यूशन अकाउंट क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। अगला है कि अगर रिवेल्यूशन अकाउंट शो करता है प्रॉफिट का, तो रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ध्यान दो, फायदा हो या घाटा, हमेशा किसका होगा, पार्टनर का। फायदे होने पर पार्टनर को क्रेडिट, और लॉस होने पर पार्टनर को क्या करते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं। अगर लॉस है तो पार्टनर क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, और रिवेल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट थोड़ा सा ये फॉर्मेट उसका देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नोट्स है, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ये रिवेल्यूशन अकाउंट है कि असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर डिक्रीज हो तो डेबिट में दिखाएंगे, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट में, उसी तरह लाइबिलिटीज, ठीक है, इन आपकी क्या हो रही है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट।